फिटर टी वी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चलिए दोस्तों हाजिर हैं एक और नई जॉब की अपडेट लेकर फिलहाल ये जॉब आपके डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं यानी पॉलीटेक्निक के उनके लिए है और जो बच्चे हैं जिन्होंने बी एस सी वग़ैरह कम्प्लीट किया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से तो उनके लिए ये जॉब है बेसिकली तो फिलहाल डिपार्टमेंट का नाम बताते हैं डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म में नाम है फैक्ट एफ ए सी टी और फुल फॉर्म आपके सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप देख ही रहे होंगे द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवन कोर लिमिटेड इस तरीके से है और रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन फ़िलहाल ये आप देख रहे हैं नीचे थर्ड जो हेडलाइन है इसमें देखते हैं आप देखिए लिखा हुआ है इंगेजमेंट एज टेक्नीशियन प्रोसेस में डिपार्टमेंट uh, जो है वो प्रोसेस uh, डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन का जॉब है ये और जो कि फ़िक्स्ड टेन्योर का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप सभी समझ गए होंगे कि ये जो जॉब है ये फिक्स्ड टेन्योर के लिए यानी एक सीमित समय के लिए सीमित अवधि के लिए है और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है नीचे लिखा भी हुआ है फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक बेसिस पे तो इस तरीके से तो आइए थोड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं उसके बाद देखिए यह, यहाँ पर डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं पोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ टेक्नीशियन जो कि प्रोसेस डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशन आपके सामने है डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग यानी केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल टेक्नोलॉजी में इंक्लूडिंग पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी तो ऐसी इन दोनों चीज़ों में जो भी आपको दिया हुआ है इसमें आपका पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड है तो इस तरीके से आपका होना चाहिए आगे चलेंगे देखिए इसका जो आपकी एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा थर्टी फाइव ईयर्स और कम से कम एटीन ईयर्स आपकी होनी चाहिए जो कि इसमें एक देखिए डेट भी दी गई है कि शुड हैव बीन बॉन ऑन आफ्टर एक अप्रैल 1986 सौ छियासी एक अप्रैल 1986 के बाद का आपका बर्थ होना चाहिए तभी आपका इसमें एलिजिबल होगा उसके बाद ये आपके जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट तो आपकी जो भी अपॉइंटमेंट वग़ैरह है वो इस तरीके से आपके ये उसके जनरल टर्म्स हैं ये आप देख सकते हैं फिलहाल थोड़ा सा अगर पढ़ के बताऊँ तो द एंगेजमेंट विल बी फॉर अ टर्म ऑफ़ टू ईयर्स तो फ़िलहाल क्या है ये जो आप को जॉब अगर मान लीजिए ऑफ़र होती है मिलती है तो ये आपको फ़िलहाल uh, शुरुआती दो सालों के लिए मिलेगी उसके बाद ये देखिए आगे लिखा है कि रिन्यूएबल फॉर मैग्जिम पीरियड पीरियड ऑफ टू स्पेल्स ऑफ वन ईयर तो देखिए वन ईयर के टू स्पेल्स आएंगे यानी uh, अगर एक बार एक साल के लिए बढ़ सकता है उसके बाद फिर एक साल के लिए बढ़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा तो अगर हम टोटल एक साथ बात करें तो चार साल से ज़्यादा की जॉब ये नहीं होगी आपकी चार साल से कम या चार साल तक की हो सकती है और उसके बाद फिर ये फिनिश हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस तरीके से ये है और अगर बाद में कंपनी जो भी है या डिपार्टमेंट है उनका मैनेजमेंट का कुछ बदलता है विचार वगैरह तो उस तरीके से फिर आगे हो सकता है लेकिन फ़िलहाल अभी आपको शुरुआती दो सालों के लिए हायर कर रहे हैं और उसके बाद फिर अगर कुछ आगे बढ़ेगा तो ये आ, इंक्रीमेंट भी करेंगे उसमें फिलहाल आगे चलते हैं रिजर्वेशन एस सी एस टी ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस बच्चे जो हैं उनके लिए वो उनको एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के हिसाब से ही मिलेगा जो जो भी नियम वगैरह हैं वो सब मिलेंगे एस सी एस टी के लिए आ, पाँच साल की छूट मिलेगी और ओ बी सी के लिए आपको तीन साल की छूट मिलेगी जो कैंडिडेट्स इस तरीके के कैटेगरी करे, करे, में फॉल करते हैं उनके लिए फिलहाल एलिजिबल कैंडिडेट्स आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल भी रैक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको रैक्ड किया जाएगा किस तरीके के आप कैंडिडेट हैं देखिए पहला पॉइंट है ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखिए सबसे ज़्यादा उस बच्चे को वरीता दी जाएगी जिसके क्वालिफिकेशन की जो पोस्ट है इस पोस्ट पे उसके सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे तो आप में से कोई बच्चे हैं जिन्होंने तीन का है साल तीन साल का एक्सपीरियंस है दो साल का एक्सपीरियंस है या पाँच साल का तो पाँच साल वाले को वरीता सबसे पहले मिलेगी तो पहले ये वरीता देंगे एक्सपीरियंस के बेस पे उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेंड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उसके बाद पहले एक्सपीरियंस पे वरीता मिलेगी उसके बाद फिर वरीता मिलेगी आपके जो भी आपने ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स होगा इनकी तरफ से वो आपने क्या स्कोर किया परसेंटेज क्या मार्क्स स्कोर किए उसके हिसाब से आपको सेकेंडली uh, मिलेगा वरीता इसके बाद थर्ड पॉइंट है ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द सेट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी गिवन तो वन टू थ्री करके है तो फिलहाल आपने जितना आ, किस ईयर में पास किया है उस एग्ज़ाम को उसके हिसाब से भी आपको वरीथा मिलेगी तो इस तरीके से है आइए बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह की तो देखिए यहाँ फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स ऑफर एंगेजमेंट अबव विल बी पेड कंसोलिडेट पे ऑफ बीस हज़ार तो ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ की सैलरी वगैरह है इसके बाद थ्री परसेंट हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा आपकी सैलरी में तो बीस का तीन जितना भी होगा वो आपका एक्स्ट्रा उसमें लगा के एक साल बाद आपको अगले साल से मिलने लगेगा उसके बाद आगे चलेंगे देखिए लिखा हुआ है लीव ईएसआई प्रोविडेंट फंड शिफ्ट अलाउंसेस टीए एंड डीए फॉर ड्यूटी ट्रैवल विल बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी एंड एज पर रूल्स ऑफ द कंपनी तो इस तरीके के जो भी अलाउंसेस हैं वो भी आपको मिलेंगे उसमें नो no डाउट है आगे चलेंगे मेडिकली Uh, जो फिट हैं इस तरीके से इसमें uh, बोला गया है मेडिकली फ़िट स्टूडेंट्स ही आए अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप इसमें एलिजिबल uh, नहीं होंगे उसके बाद लिखा हुआ है वर्क इन शिफ्ट वर्किंग तो इनके यहाँ शिफ्ट की वर्किंग है तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट कई बार चेंज भी हुआ करेगी इस तरीके से है फिलहाल आपके सामने ये सारी डिटेल्स uh, हैं इसको आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं बस यहीं तक ये डॉक्यूमेंट था दोस्तों तो फिलहाल अगर आप इसकी लास्ट डेट मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड वगैरह ये सब ऐसे करके लिखा है और लास्ट डेट है इसकी देखिए यहाँ पे हाईलाइट है तीस अप्रैल दो है तो ये अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप आराम से भर सकते हैं तो फिलहाल आप में से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जाके भरें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब